छात्रों जय श्री कृष्णा। आज ये मेरा लेक्चर 12 है। इससे पहले 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ कि जो अपने आप साथियों को दिखाएंगे, अपने घर वालों को दिखाएंगे, शायद उन्हें चौंका देंगे। और इस वीडियो को पूरी देखिए, आप समझ आ जाएगा आपको क्या चीज बताना चाह रहा हूँ मैं। इसको सिंपली ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको सिर्फ कहीं पे एक ये कुंडली दी हुई है। इस कोई भी कुंडली हो सकती है, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए कुंडली बनाई है कि ये कुंडली दी हुई है, उसमें इस तरह से ग्रह बैठे हुए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि इस कुंडली को देख के, आपके पास कुछ भी नहीं है, यू हैव टू डिसाइड बाय दिस कुंडली कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है किस पक्ष में हुआ है, शुक्ल पक्ष में हुआ है, कृष्ण पक्ष में हुआ है, किस तिथि को हुआ है, उसका नक्षत्र कौन सा है, पैदा होते समय उसमें दशा कौन सी चल रही थी, उसका गण क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका टाइम ऑफ बर्थ क्या है, ये कुंडली किसी मेल की है या फीमेल की है, ये सब चीजें आपको माध्यम से मालूम करनी है। तो ये सब चीजें मालूम आपको चल सकती हैं। इसके हिसाब से बताने जा रहा हूँ, कुछ बहुत सिंपल फंडे हैं जो मैं आपको थोड़ा बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चा कौन से पक्ष में पैदा हुआ है। तो सिर्फ ये देखिए कि चंद्रमा आपका सिंह राशि में है, सूर्य आपका तुला राशि में है। इसका मतलब चंद्रमा आपका इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, 5 से 6 में आएगा, 6 से 7 में आएगा, यानी 2.5 दिन लगते हैं चंद्रमा को एक राशि के अंदर। तो सूर्य के पास जब चंद्रमा पहुंच जाएगा तो उस दिन अमावस्या होगी। इसका मतलब यह है कि चंद्रमा हमारा अमावस्या की साइड की ओर बढ़ रहा है, ढलान पे है चंद्रमा, तो अमावस्या की तरफ को आ रहा है। तो इसका मतलब कृष्ण पक्ष हुआ। तो इससे ये तो डिसाइड हो गया कि ये तिथि, ये जो कृष्ण पक्ष है, इसमें ये जातक का जन्म हुआ है। अब कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि में हुआ है या कौन सी तारीख में हुआ है, वो चीज हम अब देखना चाहते हैं। तो अब तारीख देखने का सिंपल फंडा है बिल्कुल, कि जैसे एक इसमें फॉर्मूला है कि लॉन्गिट्यूड ऑफ मून माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ सन डिवाइडेड बाय 12। क्योंकि आपका, अगर आप देखें, जैसे ये आपका सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ये पृथ्वी घूम रही है, ये पृथ्वी घूम रही है, आपकी अर्थ है, ये आपका मून है, तो मून को एक चक्कर लगाने में यहां से यहां तक 30 डेज लगते हैं, यानी 30 तिथियां हमारी होती हैं। और 30 तिथि में मून एक चक्कर लगाता है, यानी 360 डिग्री घूम जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 30 तिथि हुई तो 360 डिवाइड बाई 30 12, यानी एक तिथि की वैल्यू हमारी 12 डिग्री आती है, इसलिए हमने 12 डिग्री से भाग किया। लॉन्गिट्यूड ऑफ मून में से लॉन्गिट्यूड ऑफ सन माइनस करने के बाद 12 डिग्री से अगर भाग करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमारी तिथि कौन सी है। अब आप यहां देखिए लॉन्गिट्यूड ऑफ मून आपका क्या है, क्योंकि मून आपका सिंह राशि में है, इसका मतलब 4 साइन पास हो चुके हैं, 4 साइन पास, डिग्री चंद्रमा की है 18 माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ सन हमारा 7th राशि में है, यानी 6 साइन पास हो चुके हैं और डिग्री हमारी है 8 डिग्री। इसमें से ये माइनस नहीं होता है, इसका मतलब ये 12 साइन आपको यहां पर जोड़ने पड़ेंगे, तो ये 16 साइन पास हो जाएगा आपका, ये 18 डिग्री हो जाएगा, माइनस 6 साइन पास 8 डिग्री कर देंगे इसको। तो ये निकालने से हमारा निकलता है यहां, ये आपका आ गया 10 साइन पास और 10 डिग्री, ये हमारी वैल्यू आ गई 10 साइन पास। 10 साइन पास क्या मतलब हुआ, एक साइन में कितनी डिग्री होती है, 30 डिग्री, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि एक भाव हमारा 30 डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री होती है, तो यानी ये 300 डिग्री हो गया और आपका, और ये आपका 10 डिग्री हो गया, तो 310 डिग्री, इसको आप लगा लीजिए, सिंपल फंडा है। 18 डिग्री में से 8 गया, 10 डिग्री बचा, 16 डिग्री 16 साइन पास में से 6 साइन पास गया, तो 10 साइन पास बचा, तो 300 डिग्री और 310 डिग्री, इसको अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 24, आगे 7 बचते हैं, 12 60, यानी 25 तिथियां तो पूरी हो चुकी है, 26वीं तिथि चल रही है। 26वीं तिथि का मतलब कि पूर्ण मासी को 15 तिथि खत्म हो जाती है, कृष्ण पक्ष का है, तो इसका मतलब ये एकादशी के दिन पैदा हुआ है। तो बच्चा जो पैदा हुआ है वो एकादशी के दिन पैदा हुआ है, ये इससे सिंपल हमारा मालूम चल गया। तो हमने निकाल लिया कि कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ है, एकादशी में पैदा हुआ है। अब इसमें देखिए हम ये इससे आइडिया लगाते हैं कि बच्चा मेल है या फीमेल है, ये भी एक बहुत सिंपल है। ये फॉर्मूला ऐसा है जो बहुत कम जगह शायद आपने सुना हो सकता है कि आपको मालूम हो, लेकिन बहुत कम लोगों ने सुना होगा, और बहुत सटीक फार्मूला है। कभी करीब मतलब सभी कुंडलियों को देखा है, ऐसी कोई कुंडली रिजल्ट में नहीं आई जिसके अंदर ये फार्मूला ना चलता हो। इसका फार्मूला होता है कि आपके जो राहु है वो कौन सी राशि में बैठा है, वो 10 नंबर राशि में बैठा है। आपका लग्न जो है वो कौन सी राशि में, ये 7 है 6 है, 6 राशि है, लग्न आपका 6ठी राशि है, प्लस
सूर्य सूर्य का एक पॉइंट जो होते हैं, ये पॉइंट कांस्टेंट रहता है हमेशा, ये हमेशा आपका एक ही नंबर चलेगा। आप जब भी निकालेंगे तो राहु की राशि निकालेंगे, लगन की राशि निकालेंगे और सूर्य का एक पॉइंट जोड़ेंगे। ये मिला के हुआ टोटल मिला के 17। इसमें आप हमेशा 3 ऐड करेंगे 20, इसको डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आपका 6 बैलेंस आ जाता है। तो सिंपल प्रिंसिपल है कि अगर बैलेंस इवन है तो फीमेल, अगर बैलेंस ऑड है तो मेल। तो यहां देख रहे हैं कि ये बैलेंस इवन आया है, सम संख्या आई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुंडली किसी फीमेल की है। ये 100% सटीक निकलता है। अगर कहीं बाय चांस ऐसा हो कि आपका कुंडली आप देख रहे हो और कुंडली किसी मेल की है और वो कैलकुलेशन के हिसाब से फीमेल की आ रही हो, तो कृपया एक बार लगन जरूर चेक कर लीजिए। ऐसा ना हो कि उस जातक का लगन 1 डिग्री का हो या 32 डिग्री का हो, जिसका टाइम के होने की वजह से वो थोड़ा फट गया, शिफ्ट हो गया। अब ये हमने मालूम लगा लिया कि मेल फीमेल क्या है। दूसरा, अब अगर हम पता करने की कोशिश करें कि ये इसकी डेट क्या हो सकती है, कब उसका बच्चे का जन्म हुआ होगा, तो सिंपल प्रिंसिपल है कि ये तुला राशि सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है 14 अक्टूबर को। कैसे, ये ध्यान रखिए सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है और 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। तो मेष के बाद वृष, वृष के बाद मिथुन, मिथुन के बाद कर्क, इस तरीके से आप एक एक महीना जोड़ते जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सूर्य तुला राशि में 14 अक्टूबर को प्रवेश करता है। चूंकि सूर्य तुला राशि के अंदर है इससे ये तो डेफिनेट हो गया कि ये 14 अक्टूबर या उसके बाद हुआ है बच्चा। कौन सा तारीख को हुआ है, हमने निकाला था कि एकाशी तिथि है, तो इसका मतलब 14 + 81 यानी 11 25, यानी इस बच्चे की जो जन्म की तारीख है वो है 25 अक्टूबर। ये हमारे से निकल जाता तो एकदम सिंपल हो गया। तो हमने इससे जन्म को भी निकाल लिया। अब अगर हम देखना चाहें कि इस बच्चे का नक्षत्र क्या है, देखिए नक्षत्र हम क्या होता है, नक्षत्र हमारा ये होता है कि चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है और राशि कौन से नक्षत्र को अपने अंदर लेती है। एक राशि में 7 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो एक राशि में टोटल मिला के 9 चरण मिल जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप अगर आप उसको याद रखेंगे कि नक्षत्र में कौन कौन सी राशि में कौन कौन से नक्षत्र हैं, तो ये चंद्रमा आपका सिंह राशि में बैठा हुआ है और सिंह राशि के अंदर 4 चरण होते हैं मघा के, 4 होते हैं पूर्व फागुनी के और 4 होते हैं मघा के, 4 पूर्व फागुनी के और 1 पुनर्वसु। ये इस तरीके से नक्षत्र होते हैं सिंह राशि के अंदर। अब कौन से नक्षत्र में है ये कैसे मालूम चले, तो देखिए एक नक्षत्र की वैल्यू होती है कंप्लीट 13 डिग्री 20 मिनट। चूंकि सूर्य की वैल्यू हमारी, चंद्रमा की वैल्यू हमारी 18 डिग्री है, चंद्रमा से नक्षत्र निकालते हैं हम लोग, चंद्रमा की वैल्यू 18 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया। अब इस वाले पार्ट में चल रहा है, टोटल 5 डिग्री बचा, तो मतलब ये 5 डिग्री करीब का हो गया है। तो पूर्व फागुनी नक्षत्र हुआ ये तो निश्चित हुआ। पूर्व फागुनी नक्षत्र में चरण कौन सा हुआ, क्योंकि एक चरण होता है 3 डिग्री 20 मिनट्स का, तो 3 मिनट तो पास हो गए हैं, 5 डिग्री का है, इसका मतलब ये दूसरा चरण पूर्व फागुनी के अंदर हुआ। तो हमारा इससे मालूम चला कि पूर्व फागुनी का 2nd चरण है और पूर्व फागुनी का जो स्वामी होता है ग्रह वो होता है शुक्र, इसका मतलब बच्चे पे पैदा होने के समय शुक्र की दशा है। उसके हिसाब से आप यह भी निकाल सकते हैं फिर कि दशा जब पैदा हुआ तो बच्चे की दशा कितनी वो भोग चुका था, कितनी उसे आगे भोगनी है, वो डिपेंड करता है आपका कि आपका 5 डिग्री है पूर्व फागुनी में, क्योंकि नक्षत्र की वैल्यू होती है 13 डिग्री 20 मिनट, तो शुक्र की जो दशा होगी वो 13 डिग्री 20 मिनट के बराबर होगी। तो 5 डिग्री चूंकि चल चुका है तो 5 डिग्री इक्विवेलेंट निकाल लेंगे उसका, तो मालूम चल जाएगा कि कितनी दशा वो भोग चुका है शुक्र की। अब इसमें एक चीज हम निकाल सकते हैं कि टाइम ऑफ बर्थ क्या हो सकता है इसका, किस टाइम के आसपास ये बच्चा पैदा हुआ होगा, ये भी इस कुंडली से आपको मालूम हो सकता है। देखिए सूर्योदय के समय जो सूर्योदय हम लोग लेते हैं वो स्टार्टिंग में लेते हैं, अक्टूबर का महीना है ये, इससे क्लियर हुआ कि 25 अक्टूबर के दिन बच्चा पैदा हुआ है। चूंकि 25 अक्टूबर को पैदा हुआ है तो अक्टूबर का महीना है, तो अक्टूबर में अप्रोक्सीमेटली 6:30 बजे सुबह सूर्य निकलता है। वैसे आप पंचांग में देख सकते हैं कितने सूर्य निकलता है, लेकिन अब 6:30 बजे अक्टूबर में सूर्य निकलता है अप्रोक्सीमेटली। तो 6:30 बजे जब सूर्य यहां निकलेगा तो सूर्य 6:30 बजे से हर दो उसमें ट्रैवल करेगा, लगन जो है आपका 2-2 घंटे में, तो 8:30 बजे
सूर्य किसी और राशि में होगा तो 10:30 यहाँ होगा, 12:30 यहाँ होगा, 2:30 बजे यहाँ होगा, 4:30 यहाँ होगा, 6:30 यहाँ होगा, 8:30 यहाँ होगा, 10:30 यहाँ होगा, 12:30 यहाँ होगा, 2:30 बजे यहाँ होगा और 4:30 बजे के आसपास करीब यहाँ पर सूर्य आया हुआ। इसका मतलब ये है कि इस बच्चे का जन्म 4:30 और 6:30 के बीच में हुआ है और एग्जैक्ट टाइम भी हम आगे देखा निकाल सकते हैं इससे। तो ये हमें इससे मालूम चला कि इस बच्चे का जन्म जो है वो 4:30 से 6:30 के बीच में है, क्योंकि सूर्य उदय हमने यहाँ लिया है और 2-2 घंटे का लग्न हमने लिया है। तो 8:30 बजे कोई लग्न, 10:30 बजे दूसरा लग्न, 12:30 बजे तीसरा लग्न, इस तरह से करते करते इस वाले एरिए में टाइम आ जाएगा 4:30 से 6:30। तो 4:30 बजे तो पक्का है कि टाइम पैदा हुआ है और इसमें भी कितना डिग्री वो चल चुका है तो आप आगे लगा सकते हैं कि 4:30 से भी एग्जैक्ट टाइम उसका क्या हो सकता है। तो कितने अप्रोक्सीमेटली हम लोग पहुंचे, इस जातक का जन्म जो है वो 4:56 AM का है, 4:56 AM का। तो हम कितना पास पहुंच गए इसके, हमने इसका नक्षत्र जान लिया, हमने जन्म दशा जान ली, पाया पाया भी जान सकते हैं इससे। पाया कैसे, ये आपको मालूम ही है कि चंद्रमा अगर लग्न से 4, 8, 12 भावों में हो तो पाया लोहे का होता है। तो आप देख रहे हैं कि चंद्रमा 12वीं राशि में है, इसका मतलब ये लोहे का पाया है, तो ये भी हमने इसे जान लिया। नक्षत्र के हिसाब से हम गण भी जान सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र हमारा पूर्व फागुनी है और पूर्व नक्षत्र में मनुष्य गण होता है, वो नक्षत्र है तो इसलिए मनुष्य गण का हो गया। तो देखिए एक ही कुंडली से, इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, कंप्यूटर से कुछ नहीं निकला हुआ, हमने ये जाना क्या तिथि है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या टाइम ऑफ बर्थ है, कौन सा पाया है, कौन सी जन्मदशा है, कौन सा गण है, मेल की है या फीमेल की है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसको अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मेरा मोटिवेशन बना रहे शेयर करने के लिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।